बिजली कटौती के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश में हो रही बिजली कटौती के विरोध में शेठ दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठे होकर जिला अध्यक्ष अशफाक शकलेनी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। शेठ दामोदर स्वरूप पार्क से प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित, एशिया प्रथम को ज्ञापन सौंपा। देखिए लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से देश की और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है। लगातार बिजली की इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती करी जा रही है, बिजली नहीं बना पा रही है और बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों अभी सरकार ने बिजली को महंगा किया है, लेकिन महंगा करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता को ये बिजली नहीं मिल रही और इससे कितना परेशान, क्योंकि आप देखते हैं उद्योग, इसके उद्योग जो उद्योग हमारे लगे हैं वो रोके जाते हैं, हमारे छात्र परेशान हैं, छात्रों को पढ़ाई करने से लेकर गर्मी से भीषण गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की तमाम ट्रिपिंग के लिए तमाम समस्याएं हैं, तार नीचे लटक रहे हैं, तमाम लोगों की जानें चली गई। आपने लगातार देखा कि बरेली हो चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम विभिन्न ज़िले हो, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली की व्यवस्था है बहुत ख़राब है, लोगों की जानें जा रही हैं और बिजली नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर आज हम तमाम कांग्रेस लोग, कांग्रेस जन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी महामहिम राज्यपाल जी से मांग है कि इस बिजली की व्यवस्था को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से ये बिजली को लेकर अपनी नाकामी कहीं ना कहीं छुपाने का काम करती है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। हमारी मांग है बिजली विभाग के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और निश्चित तौर पर या उनको योगी की सरकार हटाए जो बिजली में नहीं देख सकता, बिजली की समस्याओं को लेकर दूर नहीं कर सकता, आम जनमानस की इस आम समस्या बन गई है तो इस बिजली को लेकर जो नहीं दे पा रहे हैं इसको लेकर आज हम समस्त लोग यहाँ पर कांग्रेस जन धरने पर बैठे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता और बरेली की जनता के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसी पे हमारा नारा है, जो बिजली और पानी जो सरकार नहीं दे सके वो सरकार निकम्मी है। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की जनता, इस बार ये सरकार बदलने जा रही है, इसी को सरकार बदलने का काम ये धरने के माध्यम से कांग्रेस के लोग करने जा रहे हैं।